नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। यदि आप भी एमपी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है एमपी में जो है रेंजर के 496 और वन रक्षकों के 2081 पद जो है खाली हैं। साथ ही दोस्तों 398 महावतों एवं ड्राइवरों की भी ज़रूरत है। आइए दोस्तों देखते हैं। वन विभाग में लंबे समय से रेंजर, उपवन क्षेत्रपाल, वनपाल, वन रक्षकों जैसे पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस कारण पूरे प्रदेश में वनों की सुरक्षा का काम प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में वन विभाग में 17,940 अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं। इसके अलावा पूरे विभाग में 7417 पद रिक्त पड़े हैं। इस कारण विभाग के प्रशासनिक कार्य ठीक तरीके से नहीं हो पा रहे, मैदानी काम भी चरमरा गए हैं। मुख्य रूप से वनों एवं वन संपदा की सुरक्षा के साथ वन प्राणियों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। गौरवतल है कि शासन के आदेश के बाद भी वन विभाग में 2008 के बाद किसी भी नियमित कर्मचारी, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी को नियमित नहीं किया जा सका है, जबकि नियमितीकरण से रिक्त पदों को भरा जा सकता है। वन विभाग में यह पद पड़े हैं खाली। वन विभाग में वर्तमान में जो गैजेटेड ऑफिसर के 9, रेंजर के 496, उपवन क्षेत्रपाल के 855, वनपाल के 2081, वन रक्षक के 2124 और जो क्लर्क हैं उसके 1010। इसके अलावा वाहन चालक, स्टेनो ड्राफ्टमैन के 300, महावतों के 398 और ग्रुप डी के जो है 453 पद जो है खाली हैं। तो दोस्तों, एमपी में जो है काफ़ी कुछ वन विभाग में जो है वैकेंसी खाली है और ये वैकेंसी दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ पोस्ट हैं, जैसे रेंजर है, फॉरेस्ट गार्ड है, क्षेत्रपाल है और दोस्तों वाहन चालक की हैं, ड्राफ्ट्समैन की है, स्टेनो की है, महावत की है, ग्रुप डी की भी पोस्ट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।